कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल फ्रेश निखार। मैं श्रद्धा आज आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेके आई हूँ हेयर्स पे। हेयर्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है, हेयर फॉल ज़्यादा होने लगे, हेयर ग्रोथ में बहुत प्रॉब्लम होती कि हेयर ग्रोथ नहीं होती और हेयर फॉल कंटिन्यू होने लगते, जिससे अपने बाल जो होते हैं वो पतले हो जाते हैं और टाइम के साथ साथ आपके बाल भी सफ़ेद होने लगते हैं। यदि आपकी एज नहीं भी है तो अभी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं टाइम से पहले ही। तो मैं इसका एक अचूक नुस्खा आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि इसके बाद मैं जो भी कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। बहुत अच्छा नुस्खा लेके आई हूँ मैं, आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए तो आपको पता चलेगा कि आपको नुस्खे का यूज़ कैसे करना है। होम रेमेडी है ये और बिल्कुल सब चीज़ें आपको मैं आज शेयर करने वाली हूँ कि आपको हेयर पे कैसे अप्लाई करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हेयर फॉल हो रहे हैं आपके, या फिर हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, या फिर डेंड्रफ आ गया है आपके बालों में, तो आप उसकी अपने हेयर्स की केयर कैसे करें। आजकल बालों की समस्या बहुत कॉमन हो गई है। सभी के बाल 100 में से 90% लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते, हेयर ग्रोथ नहीं होता, तो बॉडी में कुछ कमी आ जाती है उसके कारण भी बाल झड़ने लगते। जेनेटिक कारण के अलावा टेंशन और स्ट्रेस से भी बाल झड़ते हैं। तेज और भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग खुद पर ध्यान देने में इतना वक्त नहीं लगाते जितना वो टेंशन और स्ट्रेस से गुजरते हैं, और उसका सीधा असर उनकी हेल्थ के अलावा बालों पर भी पड़ता है। बालों की ग्रोथ के लिए उन्हें ज़रूरी पोषक चाहिए जो उन्हें नहीं मिलता, और इस वजह से कुछ वक्त बाद वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आज ये एक अच्छा नुस्खा बताने वाली हूँ आपको, जिसका आप यूज़ करेंगे तो आपके बालों को झड़ना कम हो जाएगा। जो असमय आपके बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं, सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे और हेयर फॉल भी कम होगा और बालों में ग्रोथ भी होगी। विटामिन्स की कमी से भी बाल झड़ने लगते, या कई लोग बालों पर कलर का खूब इस्तेमाल करते, ऐसा करने से भी बाल झड़ने लगते। तो आइए देखते हैं कि किस चीज़ का यूज़ करें जिससे आपके बाल झड़ना बंद हो और हेयर ग्रोथ भी अच्छे से हो आपकी। ये रेमेडी तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक बाउल। तो मैंने एक बाउल ले लिया है ये रेमेडी तैयार करने के लिए। उसके बाद आपको चाहिए सरसों का तेल। सरसों का तेल सभी के घर होता है, कई लोग तो इसे खाने में भी यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत हेल्दी होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए मैं सरसों का तेल ले लूँगी। एक टाइम में आपको जितना लगेगा आपको उतना ही लेना है। तो मैं अपने हेयर के हिसाब से ले लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ 2 चम्मच में ले लेती इसमें सरसों का तेल। ये मैंने इसमें 2 चम्मच ले लिया है सरसों का तेल। इसके बाद आपको इसमें लेना है विटामिन ई की कैप्सूल। विटामिन ई की कैप्सूल आपने देखा होगा, आप चेहरे पे यूज करते, फेस में यूज करते, मोस्टली लोग इसे, इसमें विटामिन ई होता है। तो ये इवियान करके आपको 400 mg की इवियान, ये आपको मेडिकल शॉप में मिल जाएंगी, कहीं पे भी मेडिकल शॉप में मिल जाएंगी, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। 35 रुपीज़ के आपको पूरा पैकेट मिल जाएंगे, 10 की आपको कैप्सूल मार्केट में मिल जाएंगी। तो ये मैं इसमें 2 कैप्सूल का यूज़ करूँगी। मैंने इसमें ये ले लिया 2 कैप्सूल। विटामिन बहुत अच्छा होता है, विटामिन ई आपके बालों को नरिश करता है, हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, जो हेयर फॉल हो रहे हैं उसे रोकता है, और जो टाइम से पहले आपके बाल वाइट हो रहे हैं उसे भी कंट्रोल करता है। अभी के टाइम्स में हेयर्स की प्रॉब्लम सभी, मोस्टली लेडीज़ों को, 90% लेडीज़ों को आजकल हेयर्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो यदि आप ये नुस्खे का यूज़ करेंगे तो आपको आपके बालों में आपकी ग्रोथ होगी और जो आपके बाल एज से पहले सफ़ेद हो रहे उस वो भी नहीं होंगे इससे। ये मेरा रेडी हो चुका है ये बनके, इसके बाद मैं अपने बालों में इसे यूज़ करूँगी। तो आइए देखते हैं कि इसका यूज़ बालों में कैसे करें। ये सरसों का तेल बनके रेडी हो गया है, अब इसे आपको बालों में यूज़ करना है। कई लोग आज भी इसे खाने के लिए यूज़ करते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आपको थोड़े थोड़ा बालों को अलग करके और थोड़ा थोड़ा आपको अप्लाई करना है।
थोड़ा इस टाइप से आपको अपने बालों में अप्लाई करना है ताकि आपके रूट तक वो तेल पहुंच जाए और फ़ायदेमंद हो। सरसों का तेल जो कि हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, इतना ही नहीं सरसों के तेल में विटामिन ए, विटामिन ई और प्रोटीन भी पाया जाता है। इन सभी विटामिन्स और मिनरल की वजह से सरसों के तेल को स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। इसके साथ ही सरसों का तेल त्वचा और बालों के लिए भी उपयोगी साबित होता है। वैसा तो अधिकतर लोग बालों पर सरसों का तेल सीधे तौर पर लगा लेते हैं, लोगों को तो कुछ नहाने से पहले सरसों के तेल से बालों की मालिश करते हैं। सरसों से तेल से बालों की रेगुलर मसाज करना काफ़ी फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आप चाहे तो सरसों के तेल में विटामिन ई कैप्सूल मिलाकर भी लगा सकते हैं। सरसों का तेल और विटामिन ई कैप्सूल एक साथ बालों पर लगाने से कई समस्याओं का समाधान होता है। आइए बालों पर सरसों का तेल और विटामिन ई कैप्सूल लगाने के फायदे के बारे में विस्तार से जानते हैं। बालों के लिए सरसों का तेल और विटामिन ई कैप्सूल के फायदे। ये बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। सरसों का तेल और विटामिन ई कैप्सूल लगाने से बालों की ग्रोथ में मदद मिल सकती है। इसमें विटामिन ई, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन और प्रोटीन होता है। ये सभी तत्व बालों के रोम को मजबूत बनाते हैं और बालों के विकास में सहायता होते हैं। आपके जो रोम हैं, जो बेस होता है बालों का, वो ही कमज़ोर हो जाते हैं तो आपके बाल बहुत झड़ने लगते हैं। इसका उपयोग करने से आपके बाल झड़ना कम होंगे और ग्रोथ भी होते जाएंगी। ये ऑयल से आपके बालों में अच्छे मुलायम बाल होंगे इससे, और बालों को पर्याप्त पोषण देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अपने बालों को पोषण देने के लिए आप सरसों के तेल और विटामिन ई कैप्सूल का उपयोग कर सकते हैं। ये कंडीशनर का भी काम करेंगे आपका, और जो आपके बाल वाइट हो रहे हैं टाइम से पहले उसे भी कम कर देगा। ये डेंड्रफ से छुटकारा दिलाता है ये तेल। ये तेल सर पे आप या तो रात में लगा के सो जाए और सुबह आप उससे वॉश कर लें, या फिर आप दिन में लगा के सुबह लगा के शाम में भी आप वॉश कर सकते हैं। इसे लगा के रख दीजिए।